बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वीडियो देखने से पहले इसे दाएं हाथ पर एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबाएं और बेल का निशान अंदर से निकलेगा उसको दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो चलो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जाने। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी पंजाब सूबा पंजाब के अंदर स्कूलों की कितनी अकसाम है। नंबर वन स्कूल प्राइमरी स्कूल, नंबर दो एलिमेंट्री स्कूल, नंबर तीन हाई स्कूल, नंबर चार हायर सेकेंडरी स्कूल। अब जो प्राइमरी स्कूल है नर्सरी से, उसके अंदर तालीम कौन सी दी जाती है? नर्सरी से लेकर पाँचवीं तक प्राइमरी स्कूल के अंदर तालीम दी जाती है। जैसा कि आपको बताया नाम से भी प्राइमरी स्कूल, इसलिए वो प्राइमरी तक उसके अंदर। अब एलिमेंट्री स्कूल के अंदर कौन सी तालीम दी जाती है? उसमें नर्सरी से लेकर मिडल तक, प्राइमरी एक पोर्शन होता है और उसका एक मिडल होता है पोर्शन, लेकिन होता एक ही स्कूल है, एक ही हेडमास्टर होता है उसका, बाकी स्टाफ होता है, टीचर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हाई स्कूल होता है। तीसरी किस्म स्कूल की है हाई स्कूल की, जिसके अंदर उसके अंदर एक प्राइमरी पोर्शन भी होता है, मिडिल पोर्शन भी होता है और हाई हिस्सा भी होता है, यानी कि तीनों हिस्से होते हैं। वो हाई स्कूल होता है, उसमें नर्सरी से लेकर समझें दसवीं तक तालीम दी जाती है। और एक चौथी किस्म है हायर सेकेंडरी स्कूल की, उसमें भी एक प्राइमरी पोर्शन होता है, एक मिडिल पोर्शन होता है, एक हाई और हायर हिस्सा होता है। तो उसमें नर्सरी से लेकर बारहवीं जमात तक तालीम दी जाती है। ये थी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर स्कूलों की अकसाम के बारे में हमने आपको बताया, ताकि आपको इसकी हर किस्म की। और ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपेयर होते हैं कोई हेडमास्टर के लिए, और ताकि तमाम तालीमी ढांचे के बारे में मालूमात हासिल करें। मेरी वीडियो हर तालीम याफ्ता देखे ताकि उसको पता चले कि वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, कैसे वो करेगा मैट्रिक। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो इस पे डालनी है, तो हर टॉपिक के अंदर ये वीडियो थी खसूसन यानी पंजाब के अंदर स्कूलों की कितनी चार अकसाम है, प्राइमरी मिडल हाई और हायर, और उसमें किस किस्म की तालीम दी जाती है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ये शेयर किया है।